इसलिए गुरु की उपासना करने का भी महत्व है। गुरु की उपासना से कई बार तो कोई ज्ञान की बात भी मिल जाती है, और कभी कभी गुरु न बोले गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशयः। गुरु कई बार बिल्कुल बात न करें, केवल उनकी उपासना में बैठे हैं, तो गुरु को देखते देखते भी कुछ जानकारियां, कुछ ज्ञान, कुछ प्रेरणा मिल सकती है। गुरु के मुखारविंद को देखने से भी श्रद्धा भक्ति हो, कई बार उनके पास बैठने से भी कुछ अंतक प्रेरणा मिल सकती है। तो लज्जा का भाव होना चाहिए। गुरु की बात तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे भी आदमी सोचे कि मेरे द्वारा कोई अकृत्य नहीं हो जाना चाहिए, अकरणीय कार्य न हो जाना चाहिए, जो निंदनीय है, ग्रहणीय है, ऐसा काम मेरे द्वारा नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा चिंतन है तो मानना चाहिए शुक्ल लिस्या का विकास हुआ है। और आदमी में अभय का भाव भी होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमारे में अभय की शक्ति का विकास होना चाहिए। कुछ कठिनाइयां भी आ जाए तो भी शांति से, समता भाव से झेलने का प्रयास करें। कठिनाइयों का निवारण कर सकते हैं, पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हिम्मत और अभय का भाव, शौर्य का भाव हमारे में रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी में साहस का भाव था। कठिनाइयां तो उनके सामने भी बहुत आई, कई बार तो उनकी कठिनाइयां जो थी उनको तो सोचने से मानो कंपन हो जाए, ऐसी कठिनाइयां उनके जीवन में आई थी, कितना विरोध हुआ था, परंतु उनमें मनोबल भी था, साहस भी था। किस प्रकार उन्होंने संघ का संचालन ही नहीं किया, संघ का विकास करने का प्रयास किया, और किस प्रकार मानव जाति की सेवा की, उन्होंने किस प्रकार मेवाड़ की यात्रा की थी। आज से 25-26 वर्ष पहले मैं भी साथ रहा था मेवाड़ की यात्रा में, किस प्रकार गुरुदेव गांव गांव पधारे थे, यात्राएं की थी। चतुर्मास तो आमेट में था, मर्यादा महोत्सव उदयपुर में था, और अक्षय तृतीया गंगापुर में थी। उस समय की जो यात्रा हुई थी, कितने गांवों में गुरुदेव तुलसी पधारे थे। और अब मेवाड़ के, आज तो फिर भी 25-26 वर्ष के बाद मेवाड़ का रास्तों का और विकास हो गया होगा, कई सड़कें हो गई होगी, पर उस जमाने में तो इतना सुंदर रास्ता, जितना आज है उतना सुंदर रास्ता भी नहीं रहा होगा। हालांकि आज भी कहीं कहीं तो कच्चे रास्ते ही आते हैं, आज भी कहीं कहीं कच्चे रास्ते हैं। तो उन्होंने कितना श्रम किया था, काम किया था। तो हमारे में शौर्य का भाव, अभय का भाव होना चाहिए, और साथ में तंदुरुस्ती की बात है तो वह भी काम करने के लिए आवश्यक है, अपेक्षित। शरीर स्वस्थ न हो, बीमारियां लग जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, तो कितनी क्या पद यात्रा हो सकेगी। तो शरीर स्वस्थ है, चित्त प्रसन्न है, और काम करने का भाव है, तो आदमी परिश्रम कर सकता है, काम कर सकता है, और पर कल्याण की दिशा में आगे भी बढ़ सकता है। तो अभय का भाव है, लज्जा का भाव है, और बुद्धि की स्फुरणा है अच्छी। स्वस्थ चित्ते बुद्ध यह प्रस्फुरन्ति, चित्त स्वस्थ होता है तो बुद्धि की भी स्फुरणा होती है। तो ये चीजें हैं तो मानना चाहिए शुक्ल लिस्या का विकास हुआ है। आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार धंधा काम भी करते हैं, तो व्यापार में अगर प्रामाणिकता है, व्यापार में ईमानदारी की भावना है, तो मानना चाहिए शुक्लता का विकास हुआ है। और व्यापार में ठगी चलती है, धोखाधड़ी चलती है, तो शुक्लता में कमी है। वो गांव का आदमी था और शहर में चला गया एक सेठ की दुकान में। सेठ काम में लगा था, किसी से बात कर रहा था, और तो ग्रामीण बैठ गया कि सेठ साहब की बात पूरी हो जाए फिर मैं सामान खरीद लूंगा। तो सेठ अपनी मस्ती में बात कर रहा था,
तो पुराने जमाने में ये व्यापारी लोग होते थे, कलम रखते थे, भाई में कलम से लिखते थे, कलम रखते थे, काम करके कलम को यहाँ कान पर टांग लेते थे। तो सेठ के कान पर कलम टांगी हुई थी, तो बात करते करते वो कलम नीचे गिर गई। तो ग्रामीण बोला, सेठ साहब आपकी छुरी नीचे पड़ गई है। कार्य बेवकूफ कहीं का छुरी का नाम लेता है, मैं छुरी के हाथ क्यों नहीं लगाता, तुम छुरी बोल रहे हो। तब गांव का आदमी थोड़ा समझदार था, बोला सेठ साहब और तो पता नहीं, हमारे गले पर तो यही चलती है, तो धोखाधड़ी है, बेईमानी है, तो मानो की शुक्ल लेशा में कमी है। संबोधि में जो शुक्ल लेशा की बात बताई गई है, जहां झूठ है, कपट है, धोखाधड़ी है, शुक्लता में कमी है। अगर शुक्लता का विकास करना है तो हमारे में प्रामाणिकता के प्रति निष्ठा जागनी चाहिए। हम प्रामाणिकता का व्यवहार करेंगे। देखिए, ईमानदारी से आपने 100 रुपये भी कमाए हैं तो उसका उस राशि का भी महत्व है, और बेईमानी से आपने 1,00,000 रुपये भी कमा लिए हैं तो मेरी दृष्टि में कोई खास बात नहीं है। आपने दूसरों को दुख दे के, धोखा दे के पैसा कमाया है, वो कोई खास काम की बात नहीं है। तो ईमानदारी से जो पैसा अर्जित होता है, पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक बार 2 शब्द फरमाए थे, अर्थ और अर्थाभास। एक तो अर्थ पैसा, एक अर्थाभास, यानी न्यायोपार्जितम वित्तम अर्थ है। न्याय से जो आपने पैसा कमाया है वो तो अर्थ है, और अन्यायोपार्जितम वित्तम अर्थाभास है। और जो पैसा अन्याय से कमाया है, बेईमानी से कमाया, वो वास्तव में अर्थ नहीं, वो अर्थाभास है। अर्थ वैसे अपने आप में पवित्र चीज है, क्योंकि अर्थ से आदमी का काम चलता है, पर वह पवित्र तब है जब वह न्याय के द्वारा ईमानदारी के साथ कमाया जाए तो पवित्र है, यानी उसमें भी शुक्लता है। और अन्याय से पैसा कमाया जाता है तो फिर उसमें शुक्लता में कमी आ जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की भाषा में वो फिर अर्थाभास हो जाता है। तो हमारे जीवन में शुक्ल लेशा का विकास हो। 6 लेशाओं में कृष्ण लेशा भी है, नील लेशा भी है, कापोत लेशा भी है, तेजो लेशा भी है, पद्म लेशा भी है, शुक्ल लेशा भी है। ये 6 लेशाएं एक प्रकार से आदमी के चरित्र का चित्रण करने वाली है। कौन आदमी कैसा है, किस आदमी में कैसी लेशा है, उसके चरित्र का निर्धारण इन लेशाओं के आधार पर किया जा सकता है। बहुत ज्यादा निष्ठुरता, हिंसा आदि आदि के भाव हैं तो कल्पना करें उस आदमी में कृष्ण लेशा की प्रधानता है। तो हमारी ये 6 लेशाएं क्रम से शुद्ध होती है। कृष्ण की अपेक्षा नील ठीक है, नील की अपेक्षा कापोत ठीक है, कापोत की अपेक्षा तेजो लेशा ठीक है, तेजो लेशा की अपेक्षा पद्म लेशा ठीक है, और पद्म की अपेक्षा शुक्ल लेशा ठीक है। क्रम से पवित्र बनती जाती है। तो 6 लेशाओं में सबसे बढ़िया कोई लेशा है तो वह शुक्ल लेशा है। हम जीवन में सोचें, विचार करें कि हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यकलापों में शुक्ल लेशा का विकास होना चाहिए, और हम संकल्प कर लेते हैं तो अपने जीवन में शुक्ल लेशा का विकास कर भी सकते हैं। दैनंदिन व्यवहार को अच्छा बना लें और कुछ समय हम साधना में लगाने का प्रयास करें, कुछ साधना करें तो साधना भी हमारे जीवन की पवित्रता में सहायक बन सकती है। हम आधा घंटा, 24 मिनट, 48 मिनट कुछ समय निकाल करके साधना में लगाएं। एक एक मिनट भी हर घंटे से निकाल लिया जाए तो 24 मिनट हमारे पास सुरक्षित हो जाते हैं। 2-2 मिनट अगर निकाल लें तो 48 मिनट एक सामायिक का कालमान, एक मुहूर्त हमारे पास आ जाता है, उतना समय हम साधना में लगाएं तो हमारे जीवन में शुक्ल लेशा का विकास हो। और संबोधि में जो कहा गया कि शुक्ल लेशा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ सकती है
फिर आदमी केवली और सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो जाता है, तो हम भी शुक्ल लेश्या को विकसित करने का प्रयास करें। दानान सिठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अण वज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोग।